কেনেকে জানবি? সেটা তো এডমিট কার্ডে কব লাগিব। আৰু শর্ট ড্রেসেস কি পিন্ধিব? নাই তাতে একো ভ্যালিড রিজন নাই। শর্টস পিন্ধাটো একো অপরাধ নহয়। শর্টস আজকালি সব সোয়ালে পিন্ধে। বম্বে জেসি খড়ি হ্যায় লড়কি হ্যায় ইয়া ছড়ি হ্যায় চোলা হ্যায় ফুলঝড়ি হ্যায়। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल शेयर विद अरूप में। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आसाम की विश्वनाथ जिले की एक कन्या काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही है। हमारी आसाम की TikTok वीडियोस पर भी न्यूज़ बनाने वाली मीडिया ने तो इस खबर को कवर किया ही है, साथ ही नेशनल मीडिया ने भी इस खबर में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाया है। यह एक 19 साल की लड़की की हाफ पैंट को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी हो गया है। हैं, ये कैसा न्यूज़ है? ए, देश में कोई मुद्दा नहीं बचा गया? और अच्छा, ट्रेंडिंग पे यही चल रहा है। अच्छा, तो दोस्तों, यहाँ आसाम में एक 19 साल के लड़की के हाफ पैंट को लेके कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है। यहाँ तेजपुर में असम के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक एंट्रेंस एग्जाम में एक लड़की हाफ पैंट पहनकर पहुंच गई परीक्षा देने के लिए, और उसके बाद फिर एग्जामिनर ने उससे कहा, निकल जाओ, तुम हमारे हो ना हम तुम्हारे, दूर हो जाओ यहाँ से, मेरे निवास से दूर। मतलब उसे परीक्षा में बैठने से ही बिल्कुल रोक दिया गया, और फिर एग्जामिनर ने कहा कि जाओ कन्या, पहले अपनी टांगे ढक के आओ, यानी कि यहाँ शॉर्ट्स अलाउड नहीं है। फिर ये सुनकर कन्या बिल्कुल घबरा गई, क्योंकि एग्जाम का शुभ मुहूर्त बीता चला जा रहा था। और उसके बाद कन्या ने अपने पिताश्री को फ़ोन लगाया, और उसके बाद पिताजी ने जैसे तैसे एक पर्दा मैनेज किया, और उसके बाद लड़की ने अपने कमर पे पर्दा लपेट के उसने पूरा ये परीक्षा दिया। एक मिनट, मतलब ये बिल्कुल ये कंडीशन थी उसके, मतलब इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी ने ऐसे पर्दा लपेट के परीक्षा दिया होगा। साला बिल्कुल मोनू बना दिया हमको। लेकिन इस पूरे मामले के बाद अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे देश की महिलाएं अब दो गुट में बट चुकी हैं। यह अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि लोग यहाँ जो है इस पूरे मामले में क्या रिएक्ट करें। जहाँ इस पूरे मामले में एक गुट इस लड़की को पूरा समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस लड़की ने कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया है, शॉर्ट्स पहनना कोई जो है क्राइम नहीं है, और उसने जो है इतना छोटा भी जो है शॉर्ट्स नहीं पहना था जिस वजह से उसे एग्जाम देने से रोका जा रहा था। तो वहाँ दूसरी तरफ एक गुट इस लड़की के ऊपर छींची कर रहा है और कह रहे हैं कि ना मान ना मर्यादा ना संस्कार, ऐसे शॉर्ट्स पहन के एग्जाम देने कौन जाता है यार, बिल्कुल ये कॉमन सेंस की बात है, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि शॉर्ट्स पहन के कोई परीक्षा देने नहीं जाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा कॉमन सेंस की बात मेरे लिए ये है कि आखिर हमारी आसाम की लड़कियाँ चाहती क्या है। अब आसाम की इस लड़की को ही देख लो, आज से कुछ साल पहले सरस्वती पूजा के दिन इसने ये ड्रेस पहना था, लेकिन आज कई साल बाद भी खुद आसाम के लोगों की बात तो छोड़ ही दो, खुद मनीष मल्होत्रा भी सदमे में है कि आखिर इसने कौन सा ड्रेस पहना था। यानी कि हम लड़कों की सोच जहाँ खत्म होती है वहाँ से इन लड़कियों की सोच शुरू होती है। अब असम की इस लड़की को ही देख लो, इसको बोर्ड की परीक्षा में मिले थे 99% मार्क, जो कि मेरे लिए इतना ज़्यादा है कि मुझे बोलने में भी तकलीफ हो रहा है। लेकिन फिर भी इस लड़की का कहना है कि वो अपने इस मार्क से बिल्कुल असंतुष्ट है, यानी कि खुश नहीं है। उसका कहना है कि कोविड के समय अगर सरकार परीक्षा कराती तो वो इससे बेहतर रिजल्ट ला सकती थी। आज रिजल्ट दिखे तथापि जी आशा कर आशा मैं सम्पूर्ण फल मैं सम्पूर्ण पासी कब नो जदि सरकार आम परीक्षा तो पातीहन हूँ मैं इतको अलग बेसि मैं फल देखा पारिलोहन। नहीं नहीं, 99.99% से ज्यादा और बेहतर मार्क क्या होता है। तो यार आज के लिए बस इतना ही, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए, मैं इस वीडियो में इन लड़कियों को बिल्कुल जज नहीं कर रहा था, मेरा कोई हक नहीं है इन लोगों को जज करने का, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इन लोगों को जज करूँगा तो हमारे जो है फेमिनिस्ट ग्रुप की जो लड़कियाँ हैं वो मेरे कॉमेंट बॉक्स पर आके कहेगी, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।